फ्रैक्चर हो गया फ्रैक्चर फ्रैक्चर तू तो घर भाग गया। आशा मम्मी का कॉल आ गया सुबह सुबह, घर आ सीधा रे अभी घर पे एक आध हफ्ते सीधा कॉल है। गिर गया भाई ये मेरा जो ये ना ये थंब के ऊपर का, मैं डायरेक्ट हाथ पे गिरा ना तो थंब के ऊपर का वो हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। पता नहीं अभी डॉक्टर बोला है 1-1.5 महीने कम से कम फ्रैक्चर रहेगा, लेट्स सी। बट मम्मी बोले और बाकी लोग बोले कि 15-20 दिन में ठीक हो जाएगा अगर प्रॉपर डाइट रखा, खाना वाना खाया प्रॉपर, जल्दी रिकवरी होगा। और डॉक्टर बोला कि 1-2 हफ्ते तो जाएगा, 15-20 दिन में निकाला और खेला वेला और इंजरी ज्यादा हो गया तो वो परमानेंट बोल रहा है कि पता नहीं अभी, लेट्स सी। दर्द तो बहुत हुआ भाई दर्द बेकार, सुबह उठा ना मेरा हाथ वाथ नहीं चल रहा था, जाके एक्सरे एक्सरे निकाला सब निकाला, वो बोला कि हो गया फ्रैक्चर हो गया, थंब के इधर का ऊपर का बोन टूट गया। फर्स्ट टाइम हो गया मेरा, पता नहीं कैसे भाई जब मैं गिरा ना मेरा तो 5-10 सेकंड के लिए सांस ही बंद हो गया था, इतना जोर का लगा था मेरे को। और मैं गिरा मेरे को तभी समझा कि कुछ तो, पहले मेरे को ना नस पे नस चढ़ गया सूज गया, बट ना बाद में मेरे इधर वृष्ट के यहाँ पे ना नीचे के साइड पे पूरा सुबह देखा ब्लड क्लॉट हो गया था, पूरा रेड रेड ब्लैक हो गया था पूरा खून जमा। वो बोला कि इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है,